स्वागत है। आज का रेसिपी है एक ब्रोकन राइस का उपमा बनाते हैं। एक बहुत ही आसानी होता है सुबह नाश्ता के लिए, इसे हमें बना के खा सकते हैं। इसके लिए क्या सामग्री चाहिए हम देखते हैं। इसके लिए मैंने ब्रोकन राइस ले लिया है, इसे और एक हरा मूंग। इसके लिए मैंने प्याज लिया है, ये हरा धनिया, ये हरा चिल्ली ले लिए ग्रीन चिल्ली, ए कच्चा नारियल घिसा हुआ है, और ऑयल तेल, ए अदरक घिसा हुआ अदरक, काजू और जीरा, करे पत्ते और हल्दी नमक हमें इतना चाहिए। तेल ले लिए मैंने। ब्रोकन राइस का उपमा बनाते हैं, इसे शुरू करते हैं। पहले हमें गैस जला लेते हैं। हमें कुकर में बनाना है, ये जो बहुत जल्दी हो जाता है। कुकर गर्म हो गया, इसमें तेल डाल देते हैं। तेल गर्म होना है, राई डालते हैं, राई चटपट हो रहा है, इसी साथ हमें जीरा भी डाल देते हैं। इसे काजू डालते हैं, ग्रीन चिली ले मैंने लंबा लंबा काट के इसे डाल देते हैं। हमें प्याज डाल लेते हैं, करे पत्ते भी डाल देते हैं। प्याज थोड़ा सा फ्राई होने देके तब तक हमें हरा मूंग में थोड़ा पानी डाल लेते हैं। इसे हमें धो के डाल देते हैं। हरा मूंग में डाल देते हैं हमें इसे। हमें अदरक घिसा हुआ है आधा ही में इसमें डाल देते हैं। इसे थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। मैंने ब्रोकन राइस के तीन पानी में धो लिया है, फ्राई कर लेते हैं। इन हरा मूंग के साथ हमें ब्रोकन राइस भी डाल दें। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं मसाले के साथ। इसमें हल्दी भी डाल लेते हैं।
टाइम हो गया है, इसमें पानी डाल देते हैं। हरा मूंग डालने से थोड़ा पानी ज्यादा लगता है। इसमें अच्छे से हिला देते हैं, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डालते हैं। अच्छा नारियल भी डाल देते हैं। इसे अच्छे से हिला के इसका पानी जितना चाहिए उतना डालना पड़ता है। ये हरा मूंग के लिए थोड़ा पानी लेता है और ये ब्रोकन राइस है इसके लिए पानी थोड़ा ज्यादा लगता है। हमें सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट सॉफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग आने से इसे भी बना सकते हैं। इसे ढक्कन लगाते हैं, फिर एक बार हिलाने के बाद हमें इसे लॉक करते हैं। इसे देखते हैं उबाल आ रहा है, इसे हिलाते हैं। एक बार हिला दिया है, इसे अभी फ्रिज लॉक कर देते हैं। दो सीटियां बजना है तब तक हमें इसे रखते हैं गैस पर। ये दो सीटियां आना है क्योंकि हरा मूंग अच्छे से पकना है। गैस कम करके हो 3 मिनट गैस पर रखते हैं क्योंकि सॉफ्ट होना है हरा मूंग, इसलिए 2 सीटी बजने के बाद भी हमें और 1-3 मिनट कम गैस में रखना है। इसे 3 मिनट रख दिया है, इसे गैस ऑफ करते हैं और पूरा खत्म होने तक हमें इसे रखते हैं, नहीं पहले नहीं निकालना है, पूरा ठंडे होने के बाद हम इसे निकालते हैं। उसे ठंडा हो गया, उसे घुमा देते हैं। उसे तैयार हो गया, उसे अंदर से हिला देते हैं। रेटिंग करते हैं, इसमें थोड़ा अदरक डालते हैं, ऊपर से थोड़ा नारियल भी डाल देते हैं, थोड़ा हरा धनिया। तैयार हो गया है, हमें इसे बहुत जल्दी बन जाता है लेकिन थोड़ा ठंडा होने तक हमें वेट करना पड़ता है। इसे आप भी बना के खा लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये सुबह से ये मूंग डालने से ये बहुत हेल्दी होता है, आप भी इसे जरूर बना के खा लीजिए और आपका अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मेरा रेसिपी वॉच करने से मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद।